हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं SIN वर्सेस BAH टीम के बारे में। मैच स्टार्ट होने में अभी भी 11 आवर्स 16 मिनट्स है। इंडिया का टाइम का अनुसार देखा जाए तो कल सुबह 7 बजे को मैच स्टार्ट होगा। पिच के बारे में बात करें तो ये पिच बैटिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे और एवरेज स्कोर के बारे में बात करें जाए तो 150 से 160 का बीच में स्कोर बनेगा और ये पिच फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरा टेलीग्राम चैनल सोने होता तो आप टेलीग्राम में जाके इस तरह सर्च करते ही मेरे टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम से फेक अकाउंट बनाया। दोस्तों, इस दोनों अकाउंट में भूल से भी ज्वाइन मत करना। आपको ये फेक टीम देकर ये फेक अकाउंट भी है जिसमें आपको 1016 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, जिसमें आपको वायलेट कलर का JA है दोस्तों, उसी पर आप ज्वाइन कर लेना। इसी तरह मैं आपको फाइनल टीम दूंगा लाइनअप अनाउंस होने के बाद। जो मैं आपको टीम दूंगा, आप हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में ट्राई करेंगे तो आप 100% विन होंगे। अब तक आपका जितना लॉसेस हुआ वो मेरे टेलीग्राम चैनल कवर करवा देगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम का नीचे मैं तो लिंक प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों। पहला वाला दोस्तों माय मस्ट 11 का लिंक है, दूसरा वाला कुबेरा का। दोनों ऐप कमाल का दोस्तों, दोनों में लो कॉम्पिटिशन, तो दोनों में आप मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं। पहला वाला दोस्तों माय मस्ट 11, माय मस्ट 11 एक न्यू ऐप है दोस्तों, इसमें लो कॉम्पिटिशन होता है, आप मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं। माय मस्ट 11 कमाल का ऐप है दोस्तों। और दूसरा वाला कुबेरा, कुबेरा के बारे में सब लोग जानते हैं दोस्तों। इसी तरह आपको 5 प्लेयर होंगे दोस्तों, 5 प्लेयर में आपको एक ही प्लेयर को सेलेक्ट करना है। मैं आपको एक प्लेयर को इसी तरह सेलेक्ट करके दे दूंगा, पी मंडल को जैसे दिया हूँ दोस्तों। आप 100% मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं। कुबेर का लिंक है दोस्तों, क्लिक करते ही सोच कर तुरंत डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हैं, वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पहले विकेट कीपर, विकेट कीपर के बारे में बात करा जाए तो मैंने एक विकेट कीपर को पिक करूंगा, ये विन नजर को, एक इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन को और ये देसाई को। मैंने 2 विकेट कीपर को पिक किया, दोनों विकेट कीपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है, आप दोनों को 100% पिक कर लेना। दोनों विकेट कीपर का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करा जाए तो विन नजर ने लास्ट मैच में 19 बॉल्स पर 44 रन्स मारे दोस्तों। लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किए। और ये देसाई के बारे में बात करें तो ये देसाई ने लास्ट में से 3 गेंदों में 2 रन मारा दोस्तों। मैंने विकेट कीपर में 2 विकेट कीपर को पिक किया, दोनों विकेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन है, आप दोनों को 100% पिक कर लेना। मैंने दोनों विकेट कीपर का स्टैट्स भी बता दिया हूँ। अब बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने SS अली को पिक करूँगा और HS अली भट्ट को और SS अहमद को और A रहमान को। पूरा मैंने 4 बैट्समैन को पिक किया दोस्तों, चारों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन, आप चारों को 100% पिक कर लेना। चारों बैट्समैन का लास्ट मैच का स्टैट्स के बारे में बात करा जाए तो SS अली के बारे में बात की तो अली ने लास्ट मैच में 32 बॉल्स पर 34 रन्स मारे दोस्तों, 4 ओवर डाल के 2 विकेट लिए। अली ने लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया दोस्तों, कमाल का बॉलिंग भी, 34+ रन+2 विकेट लिए दोस्तों, कमाल का बैटिंग कर रही है और कमाल का बॉलिंग भी। और HS अली भट्ट के बारे में बात करें तो HS अली भट्ट ने लास्ट मैच 32 बॉल्स पर 49 रन्स मारे दोस्तों, HS अली भट्ट ने लास्ट मैच 49 रन्स मारे हैं। और SS अहमद के बारे में बात करें तो SS अहमद ने लास्ट मैच में 30 बॉल्स पर 38 रन्स मारे दोस्तों, 30 बॉल्स पर 38 रन्स SS अहमद ने लास्ट मैच में। और A रहमान के बारे में बात किया तो A रहमान ने लास्ट मैच में 11 गेंदों में 14 रन मारा दोस्तों। लास्ट मैच में चारों बैट्समैन ने कमाल का बैटिंग किया दोस्तों, चारों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन, आप चारों को 100% पिक कर लेना। मैंने चारों बैट्समैन का स्टैट्स भी बता दिया हूँ। अब ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने JVD Anzur को पिक करूँगा और MS सिंह को। मैंने 2 ऑलराउंडर्स को पिक किया दोस्तों, दोनों ऑलराउंडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स, सब दोनों को 100% पिक कर लेना। दोनों ऑलराउंडर्स का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करा जाए तो JVD के बारे में बात करें तो JVD ने लास्ट मैच 1 गेंदों में 0 रन मारा था दोस्तों और 2 ओवर डाल के 0 विकेट।
और यम सिंह के बारे में बात करते हैं, यम सिंह ने लास्ट मैच में 39 बॉल्स पर 63 रन मारे दोस्तों और दो ओवर डाल के शून्य विकेट विकेट तो नहीं मिला दोस्तों एम सिंह को, लेकिन लास्ट मैच में कमाल का बैटिंग किया, 63 रन मारे दोस्तों। मेरे ऑलराउंडर में दो ऑलराउंडर्स को पिक किया, दोनों ऑलराउंडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है, दोनों को 100% पिक कर लेना। मैंने दोनों ऑलराउंडर्स का स्टैट्स भी बता दिया हूँ। अब बॉलर्स, बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने ए सुनील को पिक करूँगा, एम रिजवान को और डब्ल्यू अहमद को। पूरा मैंने तीन बॉलर्स को पिक किया दोस्तों, तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स, अब तीनों को 100% पिक कर लेना। तीनों बॉलर्स का लास्ट मैच का स्टैट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ये सुनील के बारे में बात करिए तो सुनील ने लास्ट मैच में तीन ओवर डाला था और एक विकेट लिए हैं। और डब्ल्यू रिजवान भट्ट के बारे में बात करिए तो एम रिजवान भट्ट ने लास्ट मैच में तीन ओवर डाल के एक विकेट लिए हैं दोस्तों, रिजवान ने भी लास्ट मैच में एक विकेट लिए। डब्ल्यू अहमद ने लास्ट मैच में तीन ओवर डाल के एक विकेट दोस्तों, तीनों बॉलर्स ने लास्ट मैच में एक एक विकेट लिया, तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स, अब तीनों को 100% पिक कर लेना। मैंने तीनों बॉलर्स का स्टैट्स भी बता दिया हूँ। अगर विकेट कीपर में देखा जाए तो मैंने दो विकेट कीपर को पिक किया, बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने चार बैट्समैन को पिक किया, ऑलराउंडर्स में देखा जाए तो मैंने दो ऑलराउंडर्स को पिक किया, बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने तीन बॉलर्स को पिक किया, पूरा मैंने 11 प्लेयर्स को पिक किया। तो ये 11 प्लेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप इन 11 को 100% पिक कर लेना। अब कप्तान वाइस कप्तान के बारे में बात करा जाए तो मैंने कप्तान में बनाऊंगा एस अली को और वाइस कप्तान में एम सिंह को। दोस्तों एक बार मेरे टीम को देख लीजिए, मेरे विकेट कीपर में दो विकेट कीपर को पिक किया, ए देसाई को और ये विन नजर को। और बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने चार बैट्समैन को पिक किया, एस अली, ए रहमान, एच अली भट्ट और अहमद को। और ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने दो ऑलराउंडर को पिक किया, आई जेविड को और एम सिंह को। और बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने तीन बॉलर्स को पिक किया, ए सुनील, डब्ल्यू अहमद और एम रिजवान भट्ट को। दोस्तों मैंने कप्तान में बनाया एस अली को और वाइस कप्तान में एम सिंह को। दोस्तों मेरा कोई फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको लाइनअप अनाउंस होने के बाद मेरे टेलीग्राम में मिलेगा, इसीलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो आपको टीम दिखाई दे रहे हैं आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में आप 100% विन होंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।